स्मृति ईरानी जी अपना देखें कि जो सहेली उनको संरक्षण दी और मदद की उसके पति को भगा के शादी कर ली और वो हमारे नेता राहुल जी पर बात करती हैं, उनको शर्म आना चाहिए। स्मृति ईरानी ने जो नाटक संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किया था, अब उसकी भरपाई उन्हें अपनी निजी जिंदगी पर उठ रहे सवालों के जवाब के रूप में देना पड़ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही भले मैडम ईरानी की जिंदगी में उनकी पहचान का केंद्र हो, लेकिन उनकी असली जिंदगी की पहचान यही है कि वो अपनी ही सहेली की सौतन है। मतलब ये है कि अपनी ही दोस्त का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने वाली एक औरत, और उनकी जिंदगी की यही सच्चाई पर अब उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। सदन की चालाकियां असल जिंदगी में चलती नहीं, और ऐसा इसलिए कि सदन में संख्या बल के नाम पर खेल किया जा सकता है, एकता कपूर के ड्रामे के तड़कों का इस्तेमाल किया जा सकता है, बिना सबूत के आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर लोग वही जानते समझते हैं जो सच है और पूछते भी वही हैं जो उनका मन है। राहुल गांधी के सदन में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान दिए गए अभिभाषण से सरकार इतनी चिढ़ गई कि उसने राहुल गांधी पर सदन में महिलाओं को फ्लाइंग किस देने जैसा गंभीर आरोप लगाया है। अब यही छवि स्मृति ईरानी और मोदी सरकार के बारे में लोगों के जहन में है, लेकिन ये आरोप लगाकर सबसे ज्यादा फंसी खुद स्मृति ईरानी ही है। राहुल गांधी ने सदन में क्या किया और क्या नहीं, इसकी सच्चाई तो सामने आई नहीं, क्योंकि राहुल के सदन में बोलते समय जो संसद टीवी को प्यार स्पीकर ओम बिरला से हो चुका था उसकी चर्चा भी काफी हो चुकी है, लेकिन स्मृति ईरानी ने जो चर्चा ये कहकर छेड़ी कि उनकी ओर फ्लाइंग किस उछाला गया है, ये बात उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। बिहार की विधायक नीतू सिंह ने जैसे स्मृति ईरानी के राहुल पर लगाए गए आरोप पर जवाब दिया, तो सामने से पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक नीतू ने स्मृति की स्मृति में उनका इतिहास ताजा कर दिया। नीतू सिंह ने स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि राहुल पर ऐसे आरोप लगाने से पहले उन्हें अपनी गृहस्थी में झांक लेना चाहिए जो पूरी तरह से धोखे पर टिकी हुई है और जिसे स्मृति ने अपनी दोस्त का घर उजाड़ कर बसाया है। अब ये बात तो सबको पता है कि स्मृति जुबिन ईरानी की दूसरी पत्नी है और उनकी पहली पत्नी मोना स्मृति की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस ने जैसे स्मृति के आरोपों के जवाब में उनका इतिहास बताना शुरू किया तो लोगों ने स्मृति ईरानी को भी उनके कलेश के सवालों को पूछकर परेशान करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर स्मृति से जब आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान जब ये सवाल एक यूजर की तरफ से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी दोस्त के पति से शादी की है, तो इसका जवाब स्मृति ने दिया, या कहिए कि जो कुछ भी बातें उनके बारे में चल रही है उसे लेकर उन्हें देना पड़ा। स्मृति ने लिखा, नहीं जी, मोना मुझसे 13 साल बड़ी है, इसलिए हम दोनों के बचपन की सहेली होने का सवाल ही नहीं उठता, वो मेरे परिवार का हिस्सा है, ना कि कोई राजनीतिक व्यक्ति, इसलिए उन्हें इन सब में मत घसीटो, मुझसे लड़ाई है तो मुझसे लड़ो, मुझसे तर्क करो, मुझे नीचा दिखाओ, लेकिन किसी ऐसे नागरिक को इस गटर में मत घसीटो जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो सम्मान की पात्र है। मतलब स्मृति ईरानी को उनकी निजी जिंदगी पर उठ रहे सवाल परेशान करने लगे हैं। उनकी शादी पर उठ रहे सवाल के जवाब में जो उन्होंने महान महिला बनकर अपने पति की पूर्व पत्नी मोना को लेकर जवाब दिया है और उन्हें राजनीति में ना घसीटने की अपील की है, वो दरअसल उनका खुद का बचाव है। जाहिर सी बात है कि सवाल उठाए जाएंगे तो सामने से भी सवाल उठ सकते हैं, और स्मृति ईरानी की राजनीतिक आदत रही है खुद का घर शीशा का होते हुए भी दूसरों के घर पर पत्थर मारने की, लेकिन इस बार जो पत्थर उनके घर पर पड़ा है उससे स्मृति ईरानी चोटिल हुई हैं, इसका अंदाजा कोई भी उनके जवाब से बिल्कुल लगा सकता है। और दूसरी बात ये कि जब पूरी बीजेपी ही ये दावा करती है कि पीएम मोदी ने राजनीति को सकारात्मक बना दिया है, तब स्मृति का राजनीति को गटर कहना पीएम को भी बुरा लग सकता है। खैर, स्मृति के सबसे पसंदीदा शो की शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती थी कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, लेकिन तब किसे पता था कि सहेली के सौतन बन जाने के उनकी निजी जिंदगी के बात पर ये लाइन सबसे ज्यादा फिट बैठेगी। तो स्मृति ईरानी के कभी सौतन कभी सहेली वाले इतिहास पर कांग्रेस विधायक नीतू के सवाल और उस पर स्मृति से पूछे गए बाकी सवालों के जवाब में जो कुछ भी उन्होंने कहा है उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्यूजलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।